के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। उत्तर प्रदेश में मैंने एक नियम बना रखा है, अपराधियों के लिए भी और आतंकवादियों के लिए भी, भाई या तो जेल में रहो या राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। भगवा पहनावा, आंखों पर काला चश्मा, दंदनाती चाल और अंदाज बेमिसाल, ये हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी धमक, हनक और अकेली शख्सियत चुनावी बाजी पलटने का मद्दा रखती है, जो सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान है, जिन पर 2019 में नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम की गद्दी दिलाने का पूरा दारोमदार है। वो योगी जो राजनीति में फायर ब्रांड लीडर कहे जाते हैं, जब परिणाम आएगा तो बुआ बोलेगी कि बबुआ तो गुंडों का सरदार है, मैंने गलती की थी। बबुआ बोलेगा कि भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के साथ मैंने गलती की, अपने बाप की सलाह को नहीं माना। वो योगी जिन्हें बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है, वो योगी जो हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। वो योगी जो बेखौफ और बेबाक है। प्रियंका वाड्रा ने उस समय कहा था दो लड़कों की जोड़ी, उत्तर प्रदेश ने कहा था लड़कों की जोड़ी नहीं होती, पैरों की जोड़ी होती है। कोई बुरा माने तो मान ले, किसी को एतराज हो तो हो, योगी बिना हिचकिचाए, बिना लाग लपेट के बोलते हैं, अपने मन की सुनते हैं, दिल की करते हैं, मर्जी के मुताबिक अपने करनी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि 2019 के चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश से 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती उन्होंने कबूल की है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिना थके बिना रुके योगी अपने मिशन में जुटे हैं। यूपी के चप्पे चप्पे पर उनकी मौजूदगी है, सुबह लखनऊ, दिन भर बनारस, भदोही, जौनपुर और शाम को योगी गोरखपुर में नजर आते हैं। शहर शहर रैलियां, जनसभाएं, लोगों से मिलना, उनकी सुनना, इस गहमा गहमी में उनके चेहरे पर शिकन की एक लकीर नजर नहीं आती, क्योंकि योगी परिश्रम की पराकाष्ठा में यकीन रखते हैं। यूपी विजय के लिए वो कैसी साधना कर रहे हैं, इसे जानने लखनऊ चलना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है और फिर वो अपने ऑफिशियल काम निकाल कर निपटा कर वो सीधे निकल पड़ते हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो की गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है, थोड़ी देर में वो निकलेंगे। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी भी वहाँ मौजूद है। हम आपको आज पूरी यात्रा दिखाएंगे, आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब घर से निकलते हैं और मंच पर पहुंचते हैं तो वो कैसे अपना चुनाव प्रचार करते हैं, कैसे अपने भाषण देते हैं और कैसे विपक्ष की नींद उड़ा देते हैं अपने तीखे शब्दों से। सुबह सवेरे योगी आदित्यनाथ का कारवां लखनऊ से कूच करता है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से उनका काफिला सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचता है। बड़ी रैलियां, प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, तो किस तरह रोज उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर इस प्रकार की रैलियां हो रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अधिक से अधिक समय उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। यहाँ योगी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मिशन का आगाज करते हैं। पायलट जब तक उड़ान की तैयारी शुरू करता है तब तक योगी अखबार और जरूरी चिट्ठियां पढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में उड़न खटोले के पंखों का शोर बढ़ने लगता है और फिर तूफानी रफ्तार से हवाई सफर शुरू होता है। योगी के चुनाव प्रचार का पहला पड़ाव भदोही जिला है। भदोही के आसमान में हेलीकॉप्टर की एंट्री होते ही समर्थकों की भीड़ दिख जाती है और जब खेतों में धूल का गुबार उड़ाता हेलीकॉप्टर उतरता है तो योगी आदित्यनाथ की झलक देखने वाले उतावले हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल यानी वाराणसी के इलाके में पहुंच चुके हैं और ये सभा होगी जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो वो निकल पड़ा है, वो जा रहे हैं। भदोही में योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी की साझा रैली थी, उनके पीछे पीछे पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी आ पहुंचा। इसी रैली में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी है एसपीजी के वो पहुंच रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हेलीकॉप्टर में सवार हैं
दूसरे में उनकी सिक्योरिटी है वो सवार है, यानी जो पूर्वांचल का गढ़ है यहाँ समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी और मोदी का जो जलवा है वो पूर्वांचल में काम आएगा। पीएम मोदी के स्वागत सत्कार के बाद योगी आदित्यनाथ उन्हें रैली के मंच तक ले गए। इस मंच से प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये कांग्रेस खुलेआम कानून हटाने की बात कहती है। कांग्रेस चाहती है कि जान हथेली पर रखने वाले हमारे वीर जवान कोर्ट कचहरी में केस भुगतते रहे, वकीलों को पैसे देते रहे। मोदी से जाति का सर्टिफिकेट नहीं, ये देश के गरीबों से उनकी गरीबी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। भदोही में भाषण के बाद पीएम मोदी और योगी अलग अलग अगले पड़ाव पर निकल गए। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, तब रैली में मौजूद भीड़ नारे बुलंद कर रही थी। योगी आदित्यनाथ भदोही पहुंचे थे और वहां लोगों से मुलाकात कर आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पब्लिक किस तरह खुश हो रही है उनके अभिवादन से। जो पब्लिक है वो भी आप देख सकते हैं, काफी भीड़ यहाँ लगी हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो कैंपेन है वो काफी आकर्षक और हार्ड हिंदुत्वाकर। भदोही की रैली खत्म होते होते दोपहर हो गई। गर्मी का मौसम, तपती दोपहरी, इसमें धूल से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लेते हैं। ये स्टाइल भगवादारी योगी पर गजब जचता है। अब भदोही के बगल में जौनपुर पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर के पंखे थमे और योगी जब उतरे तो उनका अंदाज देखने लायक। गूगल चश्मा लगाकर नीचे उतरे हैं तो काफी एक तरीके से कहा जाए काफी आकर्षित आकर्षण का केंद्र रहता है। और आप देख सकते हैं कि अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं और एक एक लोगों से मुलाकात करते हैं, लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ संत भी हैं। तो जौनपुर में योगी के स्वागत का खास इंतजाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यकर्ता है वो उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है और गूगल लगाकर मुख्यमंत्री काफी स्मार्ट भी दिख रहे हैं। और जो भीड़ है वो भी आप पीछे देख सकते हैं कि काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब मुख्यमंत्री मंच से सभा को संबोधित करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो नारे लग रहे हैं वो काफी आकर्षक है। गुलाब के फूलों से वेलकम, सीएम के साथ सेल्फी और फिर मंच पर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी फूलों की माला पहनाई गई। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह ने योगी आदित्यनाथ को भी उनके रंग में रंग दिया। वो अगले पल ही रौ में आ गए, माइक संभाला और विपक्षियों पर जोरदार प्रहार शुरू कर दिया। बिजली से खुश हैं? सपा बसपा की सरकार में बिजली मिलती थी, क्योंकि वे बिजली देते कैसे? क्योंकि रात के अंधेरे में ही प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे और इसलिए तो कहा गया है चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बच्चों को गाली सिखा रही है, पता नहीं लग कैसी है। और मैंने तो उनसे कहा है, मैंने कहा प्रियंका जी आप भारत के संस्कारों को मत छोड़िए, ये गाली इडली में चलती होगी, कृपया भारत के बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो कम से कम गाली तो मत सिखाओ। अब यही कांग्रेस के संस्कार रह गए कि बच्चों को गाली सिखाई जा रही। जौनपुर में भाषण खत्म हुआ और योगी आदित्यनाथ अपने अगले पड़ाव पर निकल पड़े। सुबह से प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ को जब पेट पूजा का ख्याल आया तो हेलीकॉप्टर में योगी ने दोपहर का भोजन किया। इस सब के बीच उनका हेलीकॉप्टर आजमगढ़ पहुंच गया। आजमगढ़ की ये लोकसभा सीट लालगंज है, यहां से बीजेपी की मौजूदा सांसद नीलम सोनकर उम्मीदवार। योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने वो हेलीपैड पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आजमगढ़ के इलाके में पहुंच चुके हैं, यहीं से गाजीपुर सटा हुआ है, वह गोरखपुर का भी बलिया का बॉर्डर लगता है। आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात करने के बाद अब वो अपनी जो गाड़ी है उसमें बैठेंगे और सीधे सभा स्थल पर जाएंगे जहां काफी भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका जो रोबीला अंदाज है, आकर्षक भाषा शैली है, इसके साथ ही साथ पब्लिक भी उनके बात को सुनने के लिए तैयार होती है। भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त है कि योगी आदित्यनाथ आज वो ब्रांड बन चुका है जिसकी देश को जरूरत है। अमित शाह और मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। आजमगढ़ के लालगंज की रैली में उमड़ी भीड़ को देख योगी गदगद थे। उन्होंने माइक थामा और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बुलंद कर दिया। फिर एक बार, 2019 में मोदी जी का नाम भी है
और उनका काम। रैली के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि चुनावी भाषणों में उनके मुद्दे क्या हैं। शासन की सुविधाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए सुशासन और उसके लिए मजबूत सरकार चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी आवश्यक है। हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रत्येक गरीब को घर देना, प्रत्येक गरीब को शौचालय देना। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद योगी से अखिलेश के लैपटॉप पर सवाल हुआ तो उन्होंने उनके डिजिटल ज्ञान का माहौल बनाने में देर नहीं की। अखिलेश यादव कहते हैं कि लैपटॉप चलाना नहीं आता, उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांटे हैं। यही तो कारण है कि इन लोगों को डीबीटी का ही मतलब मालूम नहीं है। ये लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, गरीबों का शोषण करते थे, आज हम लोगों ने इसका ढोंग नहीं किया। ई पॉस मशीन लगा करके प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न की गारंटी दी और किसान के खाते में, मजदूर के खाते में और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के खाते में धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज करके डिजिटल क्रांति का सही लाभ किसान को दिया है। हमने डिजिटल क्रांति का दुरुपयोग नहीं किया। हम सोशल मीडिया के कीड़े नहीं, लेकिन हाँ, जनहित में इन योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सकता है, इसका भरपूर उपयोग प्रदेश के लिए किया है। सुबह से चुनावी प्रचार में जुटे योगी अब अपने उस पड़ाव की तरफ चल पड़े हैं जो उनका गढ़ है, जहाँ वो हिंदुत्व ब्रांड की पहली और आखिरी पसंद है। मंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। कैंप प्यारगंज आप देख सकते हैं, भीड़ जो वो काफी मौजूद है। जो कार्यकर्ता, जो नेता मंच पर मौजूद है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं मंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ गंभीर मुद्रा में मंच पर आसीन थे। उनके ठीक बगल में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन बैठे थे। दोनों में कुछ मंत्रणा हुई, फिर रवि किशन ने जोशीला भाषण शुरू किया। अपने भाषण में रवि किशन योगी आदित्यनाथ के काम का बखान करते हैं। गोरखपुर में दो साल में आए बदलावों की बात करते हैं तो रैली में आए योगी समर्थक रवि किशन को अपना नेता बताने में कोई संकोच नहीं करते। यहाँ पे मंदिर की सीट पुनः मंदिर को वापस होने जा रही है, बहुत बम्पर वोटों से रवि किशन जी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनी एकदम 100%, इसमें कोई इनवर्ट नहीं है। जी एकदम योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं। जी कमल का फूल भाजपा। पूरे दिन रैली और जनसभा के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार कर वापस गोरक्षा पीठ, जो उनका घर है, वहां आ चुके। आप देख सकते हैं गोरखधाम महाराज जी की जो पूजा पाठ है, पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद जो पूजा अर्चना है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। उन्होंने बकायदा जो पूजा किया है, पूजा के बाद आप देख सकते हैं थाल जो है वो बाहर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। गोरखनाथ धाम में योगी आदित्यनाथ को देखने भारी भीड़ जुटती है। इन सब के लिए भी योगी के पास वक्त है। लोगों से मेल मुलाकात के बाद योगी का दिन पूरा होता है। पूरे दिन हमने उनको दिखाया कि किस तरह उन्होंने 6 जगह सभाएं की, पूरे पूर्वांचल में सभाएं की और उसके बाद गोरखपुर में उन्होंने 2 सभाएं की। यानी वो जान फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है और कहा जाता है कि मंदिर है तो गोरखपुर है।